हमारे इसी तरह के बेहतरीन डिजाइन देखने के लिए लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्लास्टिक कैनवास में हार्ट शेप का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला डिजाइन आप इस तरह से बना सकते हैं और दूसरा डिजाइन हम आपको इस तरह का, ये डिजाइन मैंने मेक क्रेम से बनाया हुआ है और इसे आप इस तरह से देखेंगे और यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम काउंट करेंगे। ये वाली रो जो किनारे साइड के कॉलम है इसे हम छोड़ देंगे, अगले कॉलम से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिक्स कॉलम हमने इस साइड में छोड़ दिए। मैं सेवन कॉलम में आएंगे, सेवन कॉलम में हम डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 फोर कॉलम में हम इस तरह से डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे और इस कॉलम में निकालेंगे। उल हमारी पतली है तो इसे हम डबल बनाएंगे। फिर से इसी कॉलम में हमने निकाल लिया है और यहाँ पर आएंगे फिर से इसी कॉलम में नीचे साइड से। फिर से अब हम अगले कॉलम में जाएंगे, अगले कॉलम में हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे, इस तरह से नीचे साइड से एक कॉलम ऊपर जाएंगे और ऊपर साइड से भी हम एक कॉलम ऊपर जाएंगे। यहाँ पर दो कॉलम हम बीच में बंद करेंगे, 1 2 और 3 और ये 4, इन कॉलम में हम निकालेंगे। अगले कॉलम में हम फिर से इसी तरह से निकालेंगे, 1 और ये 2, दो बार हम एक ही कॉलम में निकालेंगे। यहाँ पर आप काउंट करें 1 2 3 और ये 4, फोर कॉलम में हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर हमारी सुई निकलेगी अब इस बार। तो यहाँ से एक एक कॉलम हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ से एक कॉलम यहाँ पर आती है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कॉलम में इस तरह से आएंगे और बैक साइड से होते हुए यहाँ पर सुई को निकाल लेंगे सेवन कॉलम में। अब ये जो कॉलम जहां से हमने काउंट किया है ये सेवन कॉलम है, आप ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से आते हुए यहां पर निकालेंगे और इसमें भी हम दो बार सुई को निकालेंगे। अब यहां से एक कॉलम नीचे की साइड आएंगे और फिर से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, इस साइड से हमें एक कॉलम ऊपर जाते जाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमारा एक ही कॉलम बचा हुआ है बीच में, तो इसे हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आएंगे इस तरह से, बैक साइड से हम धागा के नीचे से इस तरह से सुई को निकाल लेंगे। इस वाले कॉलम से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आएंगे इस तरह से, यहाँ से आएंगे दो कॉलम बंद करेंगे, 1 2 और ये 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर डबल करते हुए एक कॉलम ऊपर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आते हुए फिर से हम इस कॉलम में आएंगे, दो कॉलम बीच के छोड़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम कॉलम को नीचे लाएंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम दो कॉलम इस वाले लंबे वाले रो से, यहाँ से हम एक दो दो कॉलम हम ऊपर गए हैं, फिर से अब यहाँ से एक कॉलम नीचे आएंगे, यहाँ पर भी दो कॉलम छोड़ेंगे, 1 2 और 3 कॉलम में इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से। एक कॉलम फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पर दो कॉलम क्लोज करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से अब यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, ये जहाँ से मैंने डिजाइन को शुरू किया था इसी कॉलम के ऊपर जब ये डिजाइन बनाएंगे, फिर से यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू करेंगे। फिर से एक एक कॉलम हम ऊपर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आते हुए देखिए इस वाले कॉलम से बराबर में आ चुके हैं, तो यहाँ से अब हम एक एक कॉलम नीचे की ओर जाएंगे इस तरह से। बीच में दो कॉलम ही हमें क्लोज करने हैं। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4, फोर में हम नीचे की ओर आए हैं, तो यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर से हम नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से काउंट करेंगे, ये वाली रो हमें बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कॉलम में आएंगे और यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, इसके साइड में आएंगे, यहाँ से एक कॉलम ऊपर जाएंगे, नीचे साइड से एक कॉलम ऊपर जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें बनाना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा एक कॉलम बीच में क्लोज हो जाएगा,
इस तरह से। अब फिर से बैक साइड में इस तरह से कर लेंगे और धागा को हम इसके नीचे से, धागे के नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। अब फिर से आएंगे इस कॉलम में, यहाँ से आते हुए बीच में दो कॉलम क्लोज करेंगे, 1 2, और ये 3 कॉलम हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए बीच में हमारा यहाँ पर एक कॉलम छूटा हुआ है, और इस तरह से हम डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर आकर नॉट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गैप कम मिला है, यहाँ पर आप दो कॉलम छोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर आप डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पर छोड़ा है 1 और ये 2, 3 कॉलम से आप इस तरह से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कॉलम में निकालेंगे और इस तरह से डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को इस तरह से मल्टी कलर का पूरी मैट में बना सकते हैं और इस तरह से आप डिज़ाइन को कम्प्लीट कर सकते हैं। मल्टी कलर का डिज़ाइन बनाते हुए अगर आप इसे मल्टी कलर का बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाइएगा, और दो कलर आप एक्स्ट्रा रखिएगा, जो एक बीच में भरा जाएगा और दूसरा यहाँ पर किनारी साइड में भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे सुई को और इस तरह से निकालेंगे, फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे इस तरह से, और जितने भी कॉलम हैं इन्हें हम क्लोज करते हुए चलेंगे इस तरह से यहाँ तक आएंगे, और इस तरह से हम डिज़ाइन को बंद करेंगे। इस डिज़ाइन को आप 3 कलर से भी बना सकते हैं। एक कलर से आप हार्ट शेप के सभी डिज़ाइन बनाएंगे, दूसरा कलर आप यहाँ पर लगाएंगे और तीसरा कलर यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंदर की साइड में हमने इस तरह से डिज़ाइन को फिल कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम बीच में एक ही कलर को भरेंगे और यहाँ पर आते हुए किनारी साइड में हम किस तरह से भरेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये कॉलम है इसके बीच में हमने एक कॉलम दबाया है, तो यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से, यहाँ से निकालते हुए यहाँ पर आएंगे फर्स्ट वाले कॉलम में इस तरह से। अब देखिए फिर से इसी कॉलम में निकालेंगे, अब यहाँ पर आएंगे और अगले कॉलम में यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर जितने भी कॉलम हैं एक एक करके हम नीचे आते जाएंगे और इस डिज़ाइन को भरकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे भरते हुए धागा आप लूज रखें, धागा खींचे नहीं, और इस तरह से डिज़ाइन को भरकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आते हुए हमने एक ही कॉलम में यहाँ पर लपेटा है, यहाँ पर आएंगे बैक साइड में और इस कॉलम को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने एक कॉलम इस तरह से बढ़ाकर ये डिजाइन फिल कर लिया है, जिस तरह से इस साइड में उसी तरह से इस साइड में। अब इसके ऊपर हम यहाँ से लेकर इस कॉलम तक भरेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने यहाँ पर निकाल लिया है सुई को, यहाँ से अब हम यहाँ पर रिपीट करेंगे इस तरह से, इस तरह से एक एक कॉलम दोनों साइड से नीचे की ओर आएंगे, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर साइड से नीचे की ओर आएंगे, इसी तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे बनाकर कंप्लीट करें। अगर ये डिज़ाइन, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।